एथर फाउंडेशन, आज हम MNIT के बच्चों को जो इंजीनियरिंग और MBA कर रहे हैं उनको लेके आए हैं अर्बन फॉरेस्ट स्मृति वन जयपुर में नेचर से कनेक्ट कराने के लिए। और इस इनिशिएटिव में हमने बच्चों को बता रहे हैं कि नेचर में इतनी रिसोर्सेज गिरी हुई रहती हैं फॉरेस्ट में, उनसे इकट्ठा करके जो भी उन्हें इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स लग रहे हैं उनको इकट्ठा करके बहुत क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमने सारे बच्चों को 5-5 के ग्रुप में सेग्रीगेट करा है और बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म्स बनाए उन्होंने, क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स। खाली ज़मीन से जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, लकड़ी, लीव्स, फ्लावर्स, वो इकट्ठा करके बहुत सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं। और विल वॉक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ किड्स मेकिंग दिस आर्ट इंस्टॉलेशंस। थैंक यू सो मच। The name is Mahavir and I am from Udaipur. I am Vanya, daughter of Ramesh Babu Batila. Hello everyone, my name is Rishabh, I am from Kanpur. Hi guys, my name is Saroj, I am a scholar at MNIT DMS. We have named this Web of Life. Web of Life, oh yeah. great. Because in this present world, we forget to connect with each other other than with mobile phones. We don't connect with nature at all these days. So this, is just to remind you about the importance of going back to nature, going back to our roots. So that's why we made this. So you can see Vanya, right? Vanya has kept flowers in between. Wow. So that is adding the element of, beauty, yeah. Interest. Yeah. And chana. The others have given the concept of greenery. And then Rishabh has, put... Flowers symbolize our relation with each other and they look good in between. Adding beauty to the beauty to the web of life. Huh? Yeah. Very good. मैंने साइड्स में ये ग्रीनरी रखी ताकि देखने में अच्छा लगे। हाँ, और नेचर और ग्रीन बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है ना, और ये पूरे तुम्हारे वेब ऑफ लाइफ को कंप्लीट भी कर रहा है। स्टिक्स जैसे हम लोग हो सकते हैं, और ये जैसे ये फ्लावर्स है तो हम लोग ने ये लगाए, जैसे दिस इवेंट वी डोंट नो ईच अदर बट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर। एक्सपीरियंस वाज गुड, आफ्टर मेनी इयर्स वी केम आउट इन जंगल्स, रोम्ड अराउंड विद फ्रेंड्स, कनेक्टेड विद न्यू पीपल हु वी डोंट नो, वी क्रिएटेड अ ग्रेट टीम वर्क वी डिड टुगेदर। इट वाज हार्ड एट फर्स्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर, देन वी ऑल गॉट टुगेदर एंड वी हैड फन, सो मच फन टुगेदर एंड वी क्रिएटेड दिस आर्ट। So I am from Kerala, so I was missing this thing for a long time. Oh really? So yeah, so it's been 2 years I've been going to the mountains there. So yeah, it was kind of a good experience for me. We have created a mountain and its valley of flowers. So which depicts the nature and the biosystem. So we got the inspiration from here and the further will be shared by Prakash. So we have kept the already about to decompose wooden thing so that it blends perfectly with the stone. So we got this idea like how तुमने एक चीज नोटिस करी इस वाले एलिमेंट में, एक स्नेल भी तुम्हारे पहाड़ पे चढ़ रहा है। सो इट इज बायोडाइवर्सिटी, कैसे जहाँ नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर होते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी, एनिमल लाइफ अपने आप आ जाती है। सो ये डिपेक्ट करता है तुम्हारा जो तुमने कॉम्पोजिशन करी है वो हैप्पी एंड लिविंग है, समझो। सो दिस इज वेरी गुड, it has been accepted by nature. Yes. I am Vatsalya, I am from electronics and communication branch, I am from third year. So we did the flower and arrangement stuff because it blends quite good with the rocks. इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, फ्लावर्स, तुमने बहुत सारे फूल कलेक्ट करे, थोड़े से पत्थर और पत्ते करे, तो ये कॉम्पोजिशन कैसे तुम्हारे दिमाग में है उसके बारे में? कॉन्क्रीट में, हाँ, ओके ओके। नेचर से कनेक्ट करने के लिए वी हैव बिल्ट दिस गार्डन। ओह वाओ। सो इतना कलरफुल, फुल ऑफ फ्लावर्स वाला गार्डन है ये, हम अपना घर ऐसा चाहते हैं जहाँ फ्लावर्स एंड ग्रीनरी और हैप्पी प्लेस हो। सो हम अपनी हमारी जगह को हैप्पी प्लेस बनाना चाहते हैं ना।
चलो गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट माई नेम इज़ रौनक गुप्ता फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर टूडे बिकॉज ऑफ इत्र फाउंडेशन आई गॉट अप अर्ली एंड वॉज इन अ मूड टू एक्सपीरियंस द नेचर सो वेन वी केम हेयर अ टास्क वॉज गिवन टू अस टू मेक एंड एनकाउंटर द नेचर अराउंड अस सो एलिमेंट वॉज गिवन स्टोन्स वर गिवन टू एस एलिमेंट एंड वी नीड टू ड्रॉ समथिंग लाइक वी हैव ड्रॉन अ ह्यूमन फेस डिपेक्टिंग दैट Each of one is from the nature and made up of nature. So we are trying to tell humans again that we are from the nature. We should not destroy the nature. And we have added several elements. It's wood. We have used. We have used feathers. We have used flowers. And basically, the basic idea we have used that we need to connect humans to the nature. My name is Nandgopal Singhal. I am from Karoli, Rajasthan, from civil branch. इसमें basically जो boundary है वो पूरे अपने forest को मतलब forest को बता रही है और जिसमें क्या है कि forest में सब चीज़ beautiful है, greenery है, aesthetic view है, लेकिन इसमें सिर्फ एक smile की कमी है जो हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और एक ये स्मृति चिन्ह लगाया ताकि हम कभी आए तो हम इसे वापस देख सकें. My name is Bharti and I am in 7th class and I study in Jankini Public School. And basically we got this idea by looking at the Smriti Val about like whatever we have visited. That however it is, it's really beautiful. This is a masterpiece. Very good. In fact, agar charon taraf koi ped hunte na तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है ना. मेरा नाम कार्तिकेय दुबे है. मैं थर्ड ईयर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएनआईटी का स्टूडेंट हूँ. दिया गया था इंस्पिरेशन थीम कि उसके अकॉर्डिंग हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और इसके जैसे रूट्स निकल रही थी नीचे उसके साइज में हमने पैटर्न बनाते हुए और आगे कुछ लकड़ियों को डालते हुए डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट कलर्स से ऐसे बढ़ाते गए. स्मृति वन में नेचर टूर पर आया हूँ. मैडम ने हम लोग को घूमने के लिए लाया था. उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई थी हमसे जिसमें ये एक हमारे हम लोग को दिया गया था ऐसी चीज़ बनाने के लिए. फिर हमको यहाँ पर ये पेड़ दिखा. यहाँ पर ऊंची अच्छी भी जगह है और यहाँ ऊंचाई भी है. हमने देखा कि इस तरफ हम कुछ बना सकते हैं तो फिर हमने ये ड्राइंग के हिसाब से कुछ ट्राई किया. फिर हमें लगा कि थोड़ी लकड़ियाँ ऐसे सीधी भी लगानी चाहिए और फिर हमको ये राउंड शेप भी दे सकते हैं और फिर हमने इसको बनाया. ये काफ़ी अच्छा था हम लोग के लिए क्योंकि हम लोग नॉर्मली आज के लाइफ में ज़्यादा फ़ोन से बिज़ी रहते हैं. तो मैम ने इस चीज़ के बारे में हम लोग को बताया तो हम लोगों ने साथ में घूमने का मतलब मैम ने फॉर्म वॉर्म भरवाया था तो हम लोग यहाँ पे आ गए. यहाँ आ करके हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा. यहाँ नेचर से हम लोग इंटरेक्ट हुए. मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई किस तरीके से जैसे बिना चप्पल के अर्थ के कॉन्टैक्ट में आना उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. बहुत सारे नेचुरल इको सिस्टम हम लोग को अच्छा मिलता है तो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हमारे साथ. मेरा नाम समर्पण मिश्रा है और आज हम लोग इत फाउंडेशन की तरफ से एक नेचर वॉक पे आए थे और हमें पैटर्न दिया गया था. इसके बेसिस पे हमें अपना डिज़ाइन बनाना था तो सबसे पहले हमने रूट्स को एक्सटेंड किया उसके बाद में एक सर्कुलर पैटर्न बनाया. हेलो मेरा नाम राज है. मैं आर्किटेक्चर ब्रांच से हूँ फर्स्ट ईयर. आज इत्र फाउंडेशन की तरफ से हम नेचर वॉक में आए थे सुबह सुबह. हम अपनी डिजिटल लाइफ से डिटॉक्सिफाई करने के लिए आज आए थे नेचर वॉक में और आज नेचर वॉक में काफ़ी अच्छा लगा. आज हमें एक टास्क मिला था कि हमें एक पैटर्न बनाना है तो ये हमारे पैटर्न का इंस्पिरेशन था. हमने नेचर से रिलेटेड कुछ पैटर्न बनाने की सोची थी तो फिर रास्ते से हम जितना भी चल रहे थे अलग अलग साइज़ के लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे थे और फिर हमने बस उनसे ये पैटर्न बनाया है. थैंक यू.